नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडोल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 22 जनवरी 2019 के लिए, सॉरी 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन आप लोग को रेगुलर बेसिस से मिल जाएगा। और मैंने जो 22 लेवल इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स और सेट द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी 100 डे मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी और NR4 NR7 और कैंडल स्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन का जो रेगुलर बेसिस पे देता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे चार्ट का सेटअप है, स्ट्रेटेजी है, टेक्निक है, जो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए मैंने अच्छा निफ्टी पहले निफ्टी निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी का चार्ट ओपन किया है और इधर मैंने फिबोनाची का लेवल ड्रॉ किया है। तो देखिए कल का जो बुलिश का कैंडल बना था वो आज भी वो उसी का कंटिन्यूशन हुआ है। और इधर जो क्रॉसओवर जो दिखा रहा है चार्ट का जो सेटअप से जो क्रॉसओवर दिख रहा है तो ये नीचे जाने का ही इंडिकेट कर रहा है। और ये इसका पहले तो ये 120 में इसका रेजिस्टेंस है, 120 का रेजिस्टेंस जब ये तोड़ेगा तो ये नीचे आ सकता है 12,020 के तक। उसके बाद ये 11,975 आ सकता है। मैंने व्यू दे दूंगा, मतलब लेवल दे दूंगा, तो उसमें आप लोग काम कर सकते, आप लोग देख सकते हैं। बाद में रेगुलर बेसिस पे दे देता हूँ। और ऊपर जाने के लिए इसको 12,245 इसको तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद ये 12,278 उसके बाद 12,220 तक आ सकता है। तो देखना पड़ेगा, ये लगता है तो अभी नीचे जाने का ही कंटिन्यूशन, नीचे कंटिन्यूशन जारी रखने का ही पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि चार्ट का सेटअप भी ऐसे ही दिख रहा है। और निफ्टी बैंक मतलब बैंक निफ्टी का जो चार्ट देखता हूँ, बैंक निफ्टी का चार्ट में देखिए ये सपोर्ट, ये इधर जो सपोर्ट लेवल है 30,932 का नीचे जो सपोर्ट है इसका नीचे ही आया था, लेकिन इसका नीचे जा नहीं पाया और इसके ऊपर में क्लोजिंग दिया है। तो ये इसका लेवल जब तोड़ेगा तो इसका फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा इसका 30,560 में फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद 30,300 उसके बाद 30,460 के आसपास ये आ सकता है। तो इधर भी चार्ट का सेटअप ऐसा ही कुछ दिख रहा है। तो इसके साथ हम लोग को ऑप्शन चेन भी एनालिसिस करना पड़ेगा। संचयन में देखिए इसका जो है, मैं एक बार देख लेता हूँ। इसका रेशियो शेयर रेशियो 0.59, ये शायद 0.50 या थोड़ा 0.50 का और भी थोड़ा सा नीचे आ सकता है कि शेयर रेशियो। उसके बाद थोड़ा सा कॉन्ट्रा डेट लेकर रिट्रेस होना चाहिए। तो लगता है ये और भी नीचे आने का कोशिश करेगा। तो इसमें अभी 12,300 में इसका रेजिस्टेंस बना है और कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट और इधर लॉन्ग अनविंडिंग हो रहा है। आप लोग मतलब डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट और डिक्रीजिंग प्राइस, मतलब लॉन्ग अनविंडिंग हो रहा है। इधर आप लोग देख सकता है नेगेटिव चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट और नेगेटिव चेंजिंग प्राइस। और इधर 12,000 में इसका सपोर्ट है पुट साइड में, इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है।
और आई भी तो इधर अगले में थोड़ा सा ज़्यादा ही है, मतलब अगला अगला दिन का हिसाब से थोड़ा सा ऊपर है, इधर भी ऊपर है। तो मेरा प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन अभी आपको दिखाता हूँ, आज कैलकुलेट नहीं कर पाया, देखते हैं टाइम होता तो मैंने बैठा देता है, जस्ट डाटा बैठा। क्लोजिंग प्राइस है 12,169, इधर 12,169 डालना है, 169, इधर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी दिख रहा है 13.29, 13.29 और इधर 12.32, 12.32, और 2 दिन का एक्सपायरी है। 12,000 में सपोर्ट हो तो ठीक है, और 12,300 इधर थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी 2 दिन का हिसाब से थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, लेकिन चार्ट और जो ऑप्शन चेन का जो स्थिति है तो इधर नीचे जाने का ही कंटिन्यूशन जाने का होने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। एटलीस्ट 200 के नीचे, सॉरी 120 का नीचे तो, या 100 के नीचे आने का प्रॉबिलिटी ज़्यादा है, उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट रेट के ऊपर जाने का प्रॉबिलिटी है। और इधर बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशियो देखना पड़ेगा एक बार, 9960/8.2630.60, ये भी लगता है नीचे आने का प्रॉबिलिटी ज़्यादा है। और इधर 31,500 में इसका 31,500 में इसका रेजिस्टेंस दिख रहा है, इधर कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, और इधर इधर ये 30,500 में इसका सपोर्ट है, तो इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, इधर इधर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है तो नीचे जाने का इंडिकेट कर रहा है। इधर 0.50 या 0.40 शेयर तक ये नीचे आने का प्रॉबिलिटी लगता है। इसका प्रॉबिलिटी एक बार कैलकुलेट कर लेता है, 30,947, 30,947 इसका रेट बोला, 24.3931, सॉरी 24.31 और 24.31 और 18.01, 18.01 टुडेज का एक्सपायरी 35,500 पैसा, तो ये नीचे जाने का प्रॉबिलिटी इधर बैंक निफ्टी में ज़्यादा दिख रहा है, तो देखते हैं। और रात में मैंने इसका बाई सेल लेवल, मतलब पिवट पॉइंट और बाई लेवल एंड सेल लेवल, बहुत इंडेक्स एंड फ्यूचर्स का मैंने लेवल दे दूंगा, वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो लेवल ही अच्छा काम करता है। प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी और चार्ट का जो एजम्पशन है, एनालिसिस है, जस्ट प्रोबेबिलिटी है, लेकिन जो इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहेगा वो और भी अच्छा, इसके साथ जब आप लोग करेंगे तो इसका लेवल और भी अच्छा मिलता है। तो का सॉरी ये तो का नहीं, कल का जो मैंने लेवल आप लोग को दिखाया था, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को व्यू दिया था, तो इसमें एक बार देखने का कोशिश करता हूँ। तो इधर 31,545 के ऊपर बाई लेवल था और 31,327 के नीचे सेल लेवल था, तो ऐसा तो कुछ आया नहीं है और भी नीचे ही गया था। तो बैंक निफ्टी का चार्ट एक बार देख लेते हैं, निफ्टी इधर बैंक निफ्टी का इधर ओपन 30,000 30,200 तक ऊपर गया था, तो अपर बाई लेवल का तो आया नहीं था,